ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज आपको बताने जा रहे हैं दैनिक महाभाग्यशाली राशियां। 4 फरवरी 2019 सोमवार का दिन है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है। श्रवण नक्षत्र है। मकर राशि में चंद्रमा विद्यमान रहेंगे। सोमवार के दिन अमावस्या होने से सोमवती अमावस्या रहेगी। माघ मास की माघी अमावस्या, मौनी अमावस्या और कुंभ महापर्व में शाही स्नान भी संपन्न होगा। इस दिन स्नान दान व श्राद्ध की अमावस्या रहेगी, तो इस दिन आप सोमवती अमावस्या के निमित्त पूजन पाठ करें, पितरों को प्रसन्न करें, दान पुण्य करें, तीर्थ में स्नान करें, जिससे आपका भाग्योदय होगा और आपके जीवन के सारे संकट समाप्त हो जाएंगे। इसी के साथ सोमवती अमावस्या की कथा हमने आपको अन्य वीडियो के रूप में प्रस्तुत की है, उसको आप अवश्य देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। दिशा शूल की यदि हम बात करें तो पूर्व दिशा में रहेंगे, इसलिए पूर्व दिशा की यात्रा करना नुकसानदायी साबित होगा। यदि किसी कारणवश पूर्व दिशा की यात्रा करना बहुत ज्यादा आवश्यक हो तो दर्पण में अपना मुंह देख करके यात्रा कर सकते हैं। राहु काल जो कि सुबह 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक रहेगा, इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ मांगलिक या नया काम आपको नहीं करना चाहिए। ग्रह गोचर की यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्य देव मकर राशि में, चंद्रमा भी मकर राशि में, मंगल मीन राशि में, बुध मकर राशि में, गुरु वृश्चिक राशि में, शुक्र धनु राशि में, शनि धनु राशि में, राहु कर्क और केतु मकर राशि में रहेंगे। ग्रह योगों के ये अद्भुत संयोग के कारण वृषभ सिंह कन्या वृश्चिक धनु और मकर इन 6 राशियों के ऊपर भोलेनाथ की भरपूर कृपा बरसने वाली है। भोलेनाथ का भरपूर आशीर्वाद इनको प्राप्त होने वाला है। ग्रहों का पूरा पूरा आशीर्वाद भी इन 6 राशि वालों को मिलने वाला है। इनके सभी काम बनने लगेंगे। कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, घर परिवार में उन्नति होगी, रुका हुआ पैसा इनको मिलेगा, ऑफिस में इनकी प्रगति होगी। इसके अलावा नया रोजगार व्यापार कार्य इनका प्रारंभ हो सकता है। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलने का योग है। बेरोजगार लोगों को रोजगार प्राप्त होने का उत्तम योग बना हुआ है। तो मित्रों, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।